Good morning, UKG. Now open your maths book, page number 17. बेटा previous video में greater than और lesser than मैं introduce कर चुकी हूँ, समझ में आया होगा आप लोगों के. और आज equal to का concept आप देखिए, ठीक है? What is equal to? Now first you look here. 1, 2, 3, 4. कितनी बटरफ्लाइज हैं? हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर देयर बेटा? 4. 1, 2, 3, 4. अगेन 4. अब बेटा बताइए 4 एंड 4 कोई नंबर किसी से ग्रेटर या लेसर आपको दिखाई दे रहा है? आप ये कुछ भी तो नहीं कह सकते कि 4 इस 4 से कम है, मीन्स लेसर है या ग्रेटर है. दोनों ही बराबर दिखाई दे रहे हैं. ये भी 4 है, ये भी 4 है. कोई किसी से ग्रेटर नहीं है, लेसर नहीं है. तो फिर ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं 4. बोलिए मेरे साथ, बोलिए 4 इज इक्वल टू 4. और सिंबल क्या लगाते हैं? ये फिश का माउथ नहीं बनाते हैं. यहां पे डबल लाइंस इस तरह से बन जाती हैं और इसको ऐसे रीडिंग करते हैं 4 इज इक्वल टू 4. ये सिंबल किसका है? इज इक्वल टू मींस बराबर है. 4 इज इक्वल टू 4 दैट मींस 4 4 के बराबर है, ठीक है? अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहां पर भी आप 7 राइटिंग करेंगे, यहां पर भी 7 राइटिंग करेंगे. तो जब दोनों तरफ इक्वल है 7 और 7, तो मार्क कौन सा लगेगा, कौन सा साइन लगेगा? ये वाला साइन लगेगा. इस साइन को क्या कहते हैं? इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है इज इक्वल टू, ठीक है बेटा? इस 7 शार्पनर यहां पर भी है, 7 शार्पनर यहां पर भी है. तो 7 आप यहां पे लिखोगे, यू विल राइट 7 हियर, ओके? अगेन हियर यू विल राइट 7 एंड यू विल पुट द दिस सिंबल हियर. दिस सिंबल मीन्स इज इक्वल टू. And you will say 7 is equal to 7. 7 is equal to 7. Now turn over the page. देखिए बेटा, अब इस पेज में थोड़ी सी हम लोग को एक्सरसाइज बहुत कम दिया गया है, लेकिन फिर भी देखिए आप इसको. हमें ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है, दोनों साइड के राइटिंग करना है और फिर सिंबल लगाना है ग्रेटर देन, लेसर देन और इज इक्वल टू. अब देखिए यहां पर आप काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 लीव्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5 लीव्स, दोनों तरफ 5 लीव्स हैं, न कहीं ग्रेटर न लेसर, तो कौन सा मार्क लगेगा? इज इक्वल टू, ठीक है? अब यहां देखो 1, 2, 3, 4, 4 गिफ्ट बॉक्सेस हैं यहां पर बेटा. यहां 1, 2, 2 है. अब आप देखो, अब आपको समझ में आ रहा किधर ज्यादा है? इधर, इधर ग्रेटर नंबर है. तो ग्रेटर नंबर की तरफ फिश का माउथ ओपन होता है. अब आप इसको दो तरह से रीडिंग कर सकते हो, मैं बता चुकी हूं. 4 इज ग्रेटर देन 2 या कह सकते हो 2 इज लेसर देन 4. जिधर लेसर नंबर होता है उधर माउथ क्लोज होता है, जिधर ग्रेटर नंबर होता है उधर माउथ ओपन होता है, ठीक है? इसको हम फिश का माउथ मानते हैं समझने के लिए अपने. तो जिधर माउथ ओपन है दैट मीन्स वो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर की तरफ माउथ ओपन रहता है, लेसर नंबर की तरफ माउथ क्लोज रहता है, ठीक है? अब इधर आइए, 1 ओनली 1 कप है. Write down here 1. यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 कप्स हैं. अब आप बताइए किधर ग्रेटर है? ये 5 ग्रेटर है ना और 1 लेसर है,
तो लेसर की तरफ क्लोज रहता है माउथ, तो तुम कहोगे वन इज लेसर देन फाइव, या कह सकते हो फाइव इज ग्रेटर देन वन, वन इज लेसर देन फाइव। यहां एक्सरसाइज है, आपको करना है, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसके बाद मैं कॉपी पर होमवर्क दूंगी आपको। देखिए थ्री एंड फोर, तो फोर बेटा ग्रेटर नंबर है इसलिए फोर की तरफ माउथ ओपन है। फाइव और टू, तो फाइव ग्रेटर है, आप फाइव ऑब्जेक्ट बनाओगे, देखो वन टू थ्री फोर फाइव, इतने ऑब्जेक्ट्स बन गए। टू ऑब्जेक्ट बनाओगे वन टू, क्लियर हुआ ना बेटा, फाइव ग्रेटर है तो फाइव की तरफ फिश का माउथ ओपन। इधर सेवन है, इधर नाइन है, तो नाइन ज्यादा है ग्रेटर है तो नाइन की तरफ माउथ ओपन। कोई डाउट हो तो आप ऑब्जेक्ट बना के देख लो, एक बार मैं फिर ऑब्जेक्ट बना के बताती हूँ। ये वन है, ये फोर है, तो वन बन गया ऑब्जेक्ट वन, फोर है, वन टू थ्री फोर, क्लियर हुआ कौन सा नंबर ग्रेटर है, फोर ग्रेटर है तो फोर की तरफ फिश का माउथ ओपन। अब इधर देखिए वन जीरो टेन इधर भी है, वन जीरो टेन इधर भी है, जब दोनों तरफ टेन है तो ना कोई लेसर है ना कोई ग्रेटर है, इक्वल है, जब इक्वल है तो इक्वल का मार्क लगेगा। ठीक है बेटा, अब आप ये तो बुक तो कर लिया आपने, ठीक है, अच्छी बात है, केवल वन प्रॉब्लम मैंने छोड़ा है आपके लिए। अब आप आइए कॉपी पर, ये सारा प्रॉब्लम्स कॉपी में आपको कॉपी करना है, दैट मीन्स कॉपी पर लिखना है और सॉल्व करना है। कुछ एक मैं करा रही हूं, ओके, होमवर्क की कॉपी आएगी चेक होने के लिए, आपकी जो भी कॉपियां हैं सब चेक होने को आएंगी, यदि वर्क आपका कंप्लीट नहीं रहेगा, और हम लोग आपका सडनली टेस्ट भी ले सकते हैं कि आपने खुद किया है कि नहीं किया है, तो आप जो भी करें वो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है केवल सॉल्व करके ना दे दें, यदि बच्चे को हेल्प की जरूरत पड़ती है तो प्लीज वीडियो को आप लोग भी वॉच करके एक बार देख लीजिए कैसे बच्चे को समझाना है। अब देखिए बेटा, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट्स पहले बना के रखे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स ऑब्जेक्ट्स यहां हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखिए दोनों तरफ सिक्स है, ना कोई किसी से ग्रेटर है ना कोई लेसर है, तो इक्वल है, जब ग्रेटर लेसर नहीं है तो क्या कहेंगे, इक्वल है, जब इक्वल है तो इक्वल का मार्क है ये, बोलिए सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, बोलिए सिक्स इज इक्वल टू सिक्स। इधर आइए, वन टू थ्री फोर, राइट डाउन हियर फोर, वन टू थ्री फोर, फोर अगेन सेम केस, नो नंबर इज ग्रेटर देन अदर, नो नंबर इज लेसर देन अदर, दैट मीन्स फोर एंड फोर इज इक्वल, द मार्क ऑफ इक्वल इज दिस, फोर इज इक्वल टू फोर, ओके, अगेन सिक्स एंड सिक्स, दिस मार्क विल बी मेड हियर, फाइव एंड फाइव, द मार्क ऑफ इज इक्वल टू। अब बेटा यहां पर मैंने मिक्स करके दिया है लेसर देन ग्रेटर देन इक्वल, तो कुछ मैं हेल्प कर रही हूं, इसके बाद आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए सिक्स फाइव, एक कॉन्सेप्ट आप और ले सकते हैं, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब देखिए वन मीन्स वन, टू वन टू, थ्री वन टू थ्री, फोर वन टू थ्री फोर, फाइव वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब आप एक चीज देखिए बेटा, वन से टेन तक जब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे,
तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखने से लग रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है. दैट मीन्स जो नंबर पहले आएगा वो लेसर नंबर है और जो नंबर बाद में आएगा वो ग्रेटर है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 6, 10 इज ग्रेटर देन 9. बाद में आने वाला नंबर पहले आने वाले नंबरों से ग्रेटर होता है, क्योंकि क्लियर है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देख करके. अब आइए 6 और 5 में कंपेयर करना है. देखिए 6 यहां है, 6 बाद में आया है, 5 पहले आया है. जो पहले आता है वो लेसर होता है, 5 लेसर है तो 5 की तरफ माउथ क्लोज होगा. जो लेसर है उसकी तरफ माउथ क्लोज होगा. 5 लेसर है दैट मीन्स 6 ग्रेटर है. क्या कहोगे? 6 इज ग्रेटर देन 5. फिर से बोलो 6 इज ग्रेटर देन 5. ऐसे देखिए 8 और 4, देखिए 4 यहां आया है और 8 यहां पर आया है. 4 में केवल इतने ऑब्जेक्ट है, 8 में ढेर सारे हो जाएंगे, तो कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ? 8. बाद में आने वाला नंबर 8 ग्रेटर हुआ, तो जो ग्रेटर है उसकी तरफ माउथ ओपन है. 8 इज ग्रेटर देन 4. अब ये 5 है और 9 है, देखिए ये 5 है और ये 9 है. 5 में इतने ऑब्जेक्ट्स हैं और 9 में इतने ऑब्जेक्ट्स हैं. जो नंबर बाद में आया है वो ग्रेटर है, जो बाद में नंबर आया है वो ग्रेटर है. ग्रेटर की तरफ माउथ ओपन, तो ये ग्रेटर है तो ये लेसर है. कह सकते हो 5 इज लेसर देन 9, 5 इज लेसर देन 9. नेक्स्ट आइए 7 है, 5 है. ठीक है, तो 7 बाद में आता है ना, 5 पहले आता है. जो बाद में आता है वो ग्रेटर नंबर है, 7 इज ग्रेटर देन 5. 9 और 9 इक्वल है, तो कौन सा मार्क लेगा? इज इक्वल का मार्क लेगा. तो बाकी खुद से समझ के आपको करोगे. ठीक है बेटा, और बहुत ध्यान से आपको आना चाहिए. कभी भी हम लोग सडन टेस्ट लेंगे, यदि आप लोग नहीं कर पाओगे तो आप लोग के मार्क्स कम हो जाएंगे एग्जाम में, फिर प्राइज नहीं मिलेगा आप लोगों को बेटा. ठीक है ना, खूब मन से समझिए, पढ़िए और करिए, तो बढ़िया बढ़िया प्राइजेस आप लोग को दिए जाएंगे. ओके बेटा, थैंक यू.